Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, Changing the Way of Learning presents Top 10 Questions of Starting GK. So friends, आज है सैटरडे और आप सभी को पता है कि सैटरडे के दिन हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग जीके के करते हैं। तो आज आपके लिए लाइव क्लास नहीं हो पाई क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है, और लेकिन मंडे से वापस हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि मंडे को होगी हिस्ट्री की। तो उम्मीद है आज के 10 स्टार्टिंग जीके के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और उनको सही करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चामेरा डैम इज लोकेटेड एट। तो चामेरा डैम के बारे में आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, हालांकि मैं आपके लिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन जरूर करूंगा, ओके। लेकिन हिंदी के अंदर यहाँ पर रिटर्न नहीं है, लेकिन मंडे से वापस से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने चामेरा डैम के बारे में पूछा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है ये। अब देखिए, चामेरा डैम की बात की जाए तो ये रावी रिवर के ऊपर है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आपने डलहौजी का नाम सुना हुआ है तो डलहौजी के पास में ही है, डलहौजी के पास में ही है ये। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हिमाचल, ओके, बी इसका सही आंसर होगा। और ये लेक के अंदर जो एब्सेंस है एक्वाटिक लाइफ की, वो भी यहाँ पे टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट करता है। यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उनको कराने की काफ़ी टाइम से बात चल रही है, और हो सकता है कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वो डैम है और कितना क्लियर पानी है इसके रिजर्वॉयर का भी, ताकि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी बातचीत चल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्वाटिक लाइफ नहीं है, ठीक है। तो चामेरा डैम आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, हिमाचल में है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, बिलंदुर लेक लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बिलंदुर लेक के बारे में आपको बताना है, ठीक है। बिलंदुर जो झील है ये कहाँ पर है, ओके, आपको झील के बारे में बताना है। ये जो बिलंदुर झील है ये कहाँ पर है? अब देखिए, बिलंदुर जो झील है, ओके, ये एक बिलंदुर जगह है बैंगलोर के पास में, वहाँ पर है। तो बैंगलोर तो आपको पता ही है आप कहाँ पर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। और ये लार्जेस्ट लेक भी है सिटी के अंदर, लार्जेस्ट लेक ऑफ द सिटी, ओके। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी है इसका बिलंदुर का, जो कि सदर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर है सिटी के, ओके। अब यहाँ पे पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, एक रिवर हुआ करते दक्षिणा पिनाकानी, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती थी ये बिलंदुर लेक, ओके, दक्षिणा रिवर की। और ये जो लेक बनाई गई थी, कंस्ट्रक्ट करी गई थी, ऐसा कहा जाता है कि गंगा डायनेस्टी, जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी कर्नाटका के अंदर, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया है इस लेक को, ओके। कौन से टाइम में? 4th to 5th century के टाइम पे, ओके। और ऐसे कई सारे ह्यूमन सेटलमेंट के यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है, और इसके बारे में हिस्टोरियन ने पी वी कृष्णामूर्ति, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है इस लेक को लेकर। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। ये देखिए, इंडिया की और इम्पॉर्टेंट कुछ लेक है जो कि आपको ध्यान रखनी है। पैंगोंग लेक कहाँ पर है? जे एन के अंदर। उसके बाद में तुसो मुरारी, ओके, ये भी जे एन के, हिमाचल बॉर्डर पर, गोविंद सागर उत्तराखंड। उसके बाद में गांधी सागर डैम, ठीक, गांधी सागर आपको पता है, वल्लभ पंत सागर, हीराकुंड, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजर्वॉयर्स हैं, ओके, डैम के जो साथ में जो बने होते हैं। तो ये सभी कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हवाना इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो हवाना जो है वो कैपिटल सिटी कौन से कंट्री की, ये आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्यूबा इसका सही आंसर होगा। हवाना किसकी कैपिटल सिटी है और साथ में लार्जेस्ट सिटी भी है, किसकी? क्यूबा की, ओके। और यहाँ का मेजर पोर्ट है, लीडिंग कमर्शियल सेंटर है क्यूबा का। पॉपुलेशन की बात की जाए तो नियर बाय 2.1 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, ओके। और लार्जेस्ट एरिया है इस सिटी का, अगर बाकी सिटीज़ की बात की जाए क्यूबा के अंदर, ओके। और इसकी हिस्ट्री की बात की जाए, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ हवाना की, तो एक्चुअली इसको स्पेनिश लोगों ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। जो स्पेनिश लोग थे, ट्रैवलर्स थे, 16th century में उन्होंने, ठीक है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से इसको फाउंड किया था। और यहाँ पे ये लोग जब अपन शिप से जब अमेरिका जाया करते थे तो वहाँ पे ये अपना स्टॉपेज बनाया करते थे, और साथ में किंग फिलिप सेकेंड था, ठीक है, उन्होंने ये टाइटल दिया था हवाना, कब? 1592 के अंदर। किसने? फिलिप सेकेंड ने, ओके। और वहाँ पे पूरी क्या बनाई गई, वॉल्स बनाई गई सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हुआ क्या था कि काफ़ी टाइम बाद में वहाँ पे एक बैटल शिप थी यूएस की, मेन,
उस बैटलशिप का नाम था मेन, ओके, वो हवाना हार्बर के अंदर डुबो दी गई 1898 के अंदर। उसके बाद में यूएस और स्पेन के अंदर काफ़ी बड़ी वॉर हुई, ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी क्यूबा है और ये हवाना है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हवाना लाइक ए लोकल तो काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन इंडिया। तो आपको बताना है कि कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है का हेडक्वार्टर है जो कि भारत में इन चारों में से। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा RISIL, CRISIL, ओके, रिसल। रिसल का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के अंदर है। अब देखिए पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस रिसल है क्या। रिसल देखिए इसका पूरा नाम क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। एक ग्लोबल एनालिटिक कंपनी है जो कि रेटिंग, रिसर्च, रिस्क और पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका जो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, यानी कि S&P, ठीक है। ये डिवीजन है किसकी, मैग्रो हिल्स की। मैग्रो हिल्स का नाम आपने सुना होगा, पब्लिकेशन के अंदर भी है, ये बुक्स भी पब्लिश करते हैं। मैग्रो हिल फाइनेंशियल की एक ये डिवीजन है, ओके, और ये कब फाउंड करी गई थी, 1987 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया में है, तो इंडिया में कहाँ पर है, बॉम्बे में है। तो आपका इसलिए यहाँ पर सी इसका सही आंसर होता है, ये इसकी बिल्डिंग है बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UIDAI कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो जो आधार है, जो UIDAI है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर के अंदर आता है, ये आपको बताना है, ओके। आधार के बारे में आपको पता ही है, UIDAI क्या है, आधार ही है। एक क्या है, 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो कि इशू करा गया है इंडियन रेजिडेंट को, ओके, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के ऊपर। और UIDAI जो डाटा किसने कलेक्ट किया है, UIDAI ने किया है। और एक स्टैचूरी अथॉरिटी है जो कि 2009 के अंदर बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे किसके अंडर में, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही अंडर में काम करती है, ठीक है। एक्ट लगाया गया था, आधार एक्ट 2016, ओके। और ये दुनिया का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक ID सिस्टम है जिसमें 1.1 बिलियन लोग अभी तक एनरोल कर चुके हैं, ओके, और 99% इंडियन जो 18 साल से ऊपर है वो इसमें एनरोल हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के जो चीफ थे पॉल रोमर, उन्होंने डिस्क्राइब किया था आधार को एज अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ID प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। और इसके की पीपल कौन थे जिन्होंने इस टाइम पर बनाया गया, नंदन नीलकनी, डॉक्टर अजय भूषण पांडे अभी इसके CEO है आधार के, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, और 2009 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम इज लोकेटेड एट। तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो स्टेडियम है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है, ओके। अब देखिए आपके पास में चार ऑप्शन है, और उसमें से जो मेजरली लोग आंसर सोच रहे होंगे वो ए या फिर डी में से सोच रहे होंगे, लेकिन देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो गोवा इसका सही आंसर होगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है, कैंपस गोवा यूनिवर्सिटी के अंदर लोकेटेड है। 2014 में इसको ल्यूपोफोनी गेम्स के लिए इसको बनाया गया था, वॉलीबॉल बास्केटबॉल के लिए, और इसको जो नाम रखा गया वो श्याम प्रसाद मुखर्जी रखा गया, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन रहे, फाउंडर रहे हैं भारतीय जनसंघ के, ठीक है। भारतीय जनसंघ के बारे में आपको बताइए, बीजेपी जो पहले जो बीजेपी का नाम था वो BJS था, भारतीय जनसंघ, बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। इसके जो आइडिया जो थे, जिनकी आइडियोलॉजी पे चल रहा है, वो कौन थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि किसी टाइम पे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री और सप्लाई थे, ओके, कहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के अंदर। तो उनकी और नेहरू जी की ज़्यादा कुछ बने नहीं, और उन्होंने राइट विंग पार्टी स्टार्ट करी INC को छोड़ के, भारतीय जनसंघ, ओके, 1951 के अंदर। और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट भी रहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 2-3 साल तक, और 370 आर्टिकल के पूरे स्ट्रिक्टली खिलाफ थे वो, और उन्होंने कुछ आंदोलन भी चलाया था उस टाइम पे जब आर्टिकल 370 ड्राफ्ट किया जा रहा था। हालांकि श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं, आर्टिकल 370 के अंबेडकर जी, पटेल जी, ये सब भी इसके खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद में भी जो शेख अब्दुल्ला और हरी सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका मानना था कि आर्टिकल 370 होना चाहिए, तो इन्होंने उसको ड्राफ्ट करवाया, ओके। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको ध्यान रखनी है, और श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ पर है, गोवा के अंदर लोकेटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैपेसिटी कोई ज़्यादा नहीं है इतनी, इसकी कैपेसिटी कोई इंडोर स्टेडियम की 4,000 के आसपास है, ओके, और 2014 में ही इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये वो स्टेडियम है। आपको बतानी है करेंसी म्यांमार की क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार। अब देखिए पौंड, शिलिंग, ये सब तो आपको पता ही है, ओके, रुपया, रुपया किसकी है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी, रुपया इंडोनेशिया की है,
और कायट किसकी है? ये म्यांमार की है, तो आपका आंसर सी ही होगा। ओके, म्यांमार की करेंसी की बात की जाए तो अपना 1 रुपया और म्यांमार के कायट 21 रुपये इक्वलेंट है। वैसे ही रुपया की बात की जाए तो अपना 1 रुपया और इंडोनेशिया के 208 रुपया ये बराबर है। यानी कि अगर आपके पास में 10 रुपये हैं तो इंडोनेशियाई करेंसी के हिसाब से आपके पास में 2,080 रुपये हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और म्यांमार की करेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सब चीज़ें आपको उनकी जो कैपिटल है, करेंसी है, ये फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछते हैं और आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोनगाईगांव थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड एट। तो जो बोनगाईगांव जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। अब देखिए, नाम से पता लग रहा है या तो ये नॉर्थ ईस्ट का होगा या फिर इंडिया के बाहर का होगा। अब बोनगाईगांव नाम से पता लग रहा है कि ये कहाँ पर होगा, आसाम में है। ओके, तो ये कहाँ पर है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो कि बोनगाईगांव एक जगह है ककराखजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आसाम के अंदर, वहाँ पर है। ठीक है, ये एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है किसका, NTPC का, और यहाँ पे एक माइन है माखोन माइन, वहाँ से ये कोल लेके आया जाता है, आसाम के अंदर ही है ये। ओके, वहाँ से ये थर्मल प्लांट चल रहा है, ये वो थर्मल पावर प्लांट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। अब देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको स्टार्ट किया गया था किस लिए? इसको स्टार्ट किया था बेसिकली यूनियन थी एक इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था ताकि एंकरेज कर सके लोगों को, प्रिवेंशन को लेके, डिटेंशन को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, अवेयरनेस फैला सके कैंसर को लेके। ठीक है, तो 4 फरवरी माना जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, तो बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। और प्राइमरी गोल क्या है क्या वर्ल्ड कैंसर डे का, कि जो रिड्यूस किया जाए इलनेस को, ठीक है, और डेथ जो हो रही है कैंसर से उसको टोटली कंट्रोल किया जाए 2020 तक, ये इसका एम है। ओके, वर्ल्ड कैंसर डे का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड कैंसर डे। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कुचिपुड़ी के बारे में आपको बताना है। आपको बताइए कि संगीत नाटक अकेडमी ने 8 डांसेस को क्लासिकल डांसेस बताया है इंडिया के अंदर। अब ये जो 8 आपके जो नाम है उनके जो स्टेट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुचिपुड़ी तो किसका है, आंध्र प्रदेश का है। ओके, केरला का क्या है, मोहिनीअट्टम और साथ में कथकली, वैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। संगीत नाटक अकेडमी ने 8 डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशनल डांस को इंडियन क्लासिकल डांस बताया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया के अंदर है या फिर यूपी कह लीजिए, कथकली केरला और मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुरी कहाँ पर, मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में और सथिया आसाम में। ओके, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी अच्छी नॉलेज गेन कर सके। साथ में GK24 और Vocab24 को डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।